एलआईसी हमारे कस्टमर भाइयों के लिए एक्सरसाइज है, जैसे हम आते हैं बैक 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 कैसे करते, तो हमें पुलअप्स करने हैं सबसे पहले, और ग्रिप हमें अपने शोल्डर से वाइड रखनी है, हमेशा याद रखना शोल्डर से वाइड रखनी है थोड़ी सी ग्रिप, और इसमें हमें 8 से 10 रेप की डालने हैं। अगर आपसे 8 से 10 नहीं होते स्टार्टिंग में, आप एक भी कर रहे हैं, अगर एक भी नहीं हो रहा तो आप होल्ड भी कर सकते हैं, जैसे ये हमने ऐसा कर मेरे शोल्डर से वाइड, तो ये आप होल्ड भी कर सकते हैं ऐसे, अगर आपसे पुलअप्स ना हो ये ना हो तो आप होल्ड भी कर सकते हैं, तो दोनों तरह से कर सकते हैं, अगर नहीं होता तो आपसे तो स्टार्टिंग में आप होल्ड कर दीजिए, होल्ड के हिसाब से स्ट्रेंथ आएगी शोल्डर पर, स्ट्रेंथ होगी तो आगे बढ़ेगा फिर, ऐसे ये करना है। गाइस हमारी सेकंड एक्सरसाइज है बैक की फ्रंट पुली, तो हमें ये देखना है, उसमें भी हमें शोल्डर से वाइड कर लेना है, ठीक है, उसमें हमें 10 से 12 रेप लेना है लाइट वेट करके, ठीक है, और हमें ज़्यादा बैंड नहीं होना, ये ग्रिप पकड़नी है हमेशा शोल्डर से, ऊपर स्लो ले जाना है, हमें चेस्ट लेवल तक ले जानी है बराबर, और इसमें 10 से 12 रन लेने हैं फर्स्ट सेट में। गाइस हमारी थर्ड एक्सरसाइज है वन आर्म डंबल रो, इसमें हमें फ्लेक्स इसके बेंच के ऊपर, और ये टो नी हमारे बेंच के ऊपर और टो हमारे इक्वल रहेंगे, ठीक है, और हमें बैंड होना और चेस्ट अप रखनी है, ठीक है, और अपना वेट जो भी सुटेबल हो जिसमें आपके 10 से 8 रैप आ जाए वो लेना है, 10 से 12 या 10 से 8 जो भी रैप है उसके सुटेबल आपको वेट लेना है, चाहे 5 kg हो चाहे 7.5 kg हो चाहे 10 kg हो, उस हिसाब से करना, और ये देखिए पोजीशन आप आपने देखा होगा, मैं 10 रैप निकाल दिए, तो आपकी सुटेबल के हिसाब से जो भी लो वो लेना है। तो आप हमारी फोर्थ एक्सरसाइज है, जैसे जो रोमन चेयर होती है वो हाइपर के लिए एक्सरसाइज के लिए होती है, हाइपर टेंशन के लिए, अगर वो नहीं है जिस जिम में, तो हम इस पे प्रीचेयर जो बेंच होती है उस पर भी कर सकते हैं, देखिए जैसे ये में भी हमें 10 से 12 रख देने, 3 सेट्स करने हैं इसके भी हमें, अगर 10 इजी रह पा रहे तो उसमें हमें वेट से भी कर सकते हैं, चेस्ट पर लेके देखिए ऐसे, इसे वेट के साथ भी कर सकते हैं बस। ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज होगी, ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज होगी, 4 एक्सरसाइज करना है, इससे बेटर रिजल्ट आएगा आपको बैक में, करके देखिए ट्राई दिस यूज in exercise.